शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 3 जुलाई से 102 एम्बुलेंस चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 102 एम्बुलेंस के पहिए 3 जुलाई को बंद हो जाएंगे। राष्ट्रीय 102 एम्बुलेंस चालक कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्य ने 3 जुलाई को हड़ताल की है और मांगे नहीं माने जाने तक जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह बयान नेशनल 102 एम्बुलेंस ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाजी मियां नासिर अहमद शेख ने किया। पिछले 10 से 15 वर्षों से हम सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 102 एम्बुलेंस को 24 घंटे निर्बंध सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज तक हम दिन रात 24/7 सेवा प्रदान कर रहे हैं और हमारा शोषण हो रहा है। सभी सम्मानित नेताओं और अधिकारियों को राज्य और केंद्र स्तर पर सैकड़ों पत्राचार भेजे गए। वह समय समय पर भूख हड़ताल पर चले गए, लेकिन किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया कि किसी ने हमारे सवाल पर गंभीरता से विचार भी नहीं किया। आज तक हम आपके सामने कानूनी तरीके से आए हैं और हमारी शिकायतों को प्रस्तुत किया है, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था। हमारी मांग को कचरे की एक टोकरी दिखाई, इसीलिए अब जब हम उब गए हैं तो हम सब ने फैसला किया है। पूरे महाराष्ट्र में 3 जुलाई 2020 को 102 सरकारी एम्बुलेंस चालकों को एक आंदोलन में रखा जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कई अन्य नेताओं और अधिकारियों के बयान के लिए 102 एम्बुलेंस बंद होने से मरीजों या सरकारी अस्पतालों के किसी भी नुकसान के लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, यह ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे उल्लेखनीय पत्राचार किए यह बयान हाजी मियां नासिर अहमद शेख ने दिया था। 1800 रुग्णवाहिका चालक आणि त्यांच्या परिवाराची थोडक्यात कथा सर्व महाराष्ट्रभर सुजाण नागरिक बंधू भगिनींना कळवू इच्छितो। गत 10 ते 15 वर्षापासून अल्प मानधनावर 24 तास रुग्णांची सेवा देत असताना अनेकांचे प्राण वाचवले, पण आज रोजी राष्ट्रीय रुग्णवाहिका चालक हा मृत्यूच्या उंबरठ्यावर उभा आहे। ठेकेदार काही शासनाचे पुढारी आणि अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून रुग्णवाहिका चालकांना अर्धाही पगार खाली देत नाही। 6 ते 8 महिने पगार होत नाही, कुठे 4000, कुठे 8000, तर कुठे 6000, याच्यावर एकही रुपया वाहन चालकाला मिळत नाही। गत 10 ते 15 वर्षापासून अखंडित सेवा झाल्या असल्यामुळे रुग्णवाहिका चालकांना दुसरीकडे ही नोकरी संधी राहिलेली नाही। करिता महाराष्ट्रभर हा शासनाचा अनागोंडा कारभार समोर आणावे आणि करोडो अर्ब रुपयाचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणून देऊन राष्ट्रीय रुग्णवाहिका चालकांना न्याय द्यावा, इतकीच समस्त जनतेस माझी हात जोडून नम्र विनंती, नम्र प्रयास। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्रातील 1800 रुग्णवाहिका चालकांचं नेतृत्व करत असताना ज्या अडचणी समोर येत आहेत ते थोडक्यात सर्व संबंध नागरिकास कळू इच्छितो। गत 15 वर्षापासून एकही दिवस आपस्कॉन न राहता, CL रजा न टाकता, रात्री अपरात्री ऊन वारा पाऊस न पाहता रुग्णाच्या सेवेत नोकरीच्या आमिषापोटी कर्तव्यावर उपस्थित असताना जो खेळ आमच्या आयुष्यासोबत खेळा जाऊ लागला आहे तो थोडक्यात असा आहे। ठेकेदार काही वरिष्ठ अधिकारी पुढारी यांच्याशी हातमिळवणी करून वाहनचालकाच्या नावे निघणारा अर्धाही पगार वाहनचालकाला देत नाही। 24 तास काम करून देखील वाहनचालक अर्ध्यापोटी झोपावे लागते। लेकरा बाळांचं आयुष्य पूर्णपणे शिक्षण वगैरे तर देऊच शकत नाही, पण आईवडिलांचा दवाखाना देखील करू शकत नाही। अशा बिकट अवस्थेमध्ये रुग्णवाहिका चालकांनी अनेकांचे प्राण वाचवले, पण आज रोजी वाहनचालक मरणाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे। मागे ठेकेदार आणि पुढे कोरोना, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मृत्यू वाटळ आहे। तरी सुजाण नागरिक बंधू भगिनींना विनंती करतो की महाराष्ट्रातील 1800 रुग्णवाहिका चालकांकरिता प्रार्थना करावी, तसेच शासनापर्यंत रुग्णवाहिका चालकांचे आयुष्य चांगले होण्याकरिता सांगडे घालावी, इतकीच सर्व नागरिकांना मनपूर्वक विनंती करून आपले 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।